मध्य प्रदेश के जबलपुर में आरटीओ के घर है या खजाना, घर है या राजा या बादशाह का महल, जांच में जबलपुर के आरटीओ के पास मिले हैं 16 लाख रुपए नगद। जबलपुर में आरटीओ के घर पर छापेमारी हुई है, जिसके बाद कई चीजें सामने आती हुई नजर आ रही हैं। छापेमारी में अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है और इसी के बाद अब आगे जांच चल रही है। ड्राइंग रूम से बाथरूम तक काली कमाई की छाप यहां पर दिख रही है। आरटीओ पर छापा हुआ, बाथरूम तक काली कमाई दिख रही है। करोड़ों की संपत्ति जो है वो जब्त हुई है। आरटीओ के पास 16 लाख नगद मिले हैं। ईओडब्ल्यू जांच में आए से 650 गुना, जी हां 650 गुना ज्यादा संपत्ति मिली है। और इनके घर का नजारा देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ड्राइंग रूम से लेकर बाथरूम तक काली कमाई का नजारा फैला पड़ा है। घर में साहब ने अपना निजी थिएटर तक बना रखा है। काली कमाई से थिएटर में काले लाल सीटें लगा रखी हैं। जांच के दौरान आरटीओ से कई घर, कई गाड़ियां और दूसरे दस्तावेज हाथ लगे। तो ईओडब्ल्यू की जांच में आय से 650 गुना ज्यादा संपत्ति जो है वो मिली है। लाखों के आभूषण यहां से बरामद किए गए हैं। ड्राइंग रूम से बाथरूम तक जिस तरीके से रेड हुई, यहां पर पैसे ही पैसे, गहने ही गहने नजर आते नजर आए। तो आरटीओ का ये घर है, जरा घर को देखकर अंदाजा लगाइए कि कितनी काली कमाई यहां सफेद टाइलों में छिपाई गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जबलपुर में आरटीओ का ये घर, जहां पर जब छापेमारी हुई तो किसी को यकीन नहीं था कितनी अकूत संपत्ति यहां पर मिल सकती है। आरटीओ का ये घर था या किसी राजा का महल, अंदर घुसते के साथ ये सवाल जांच टीमों के मन में भी उठने लग गए, क्योंकि यहां कमाई से 650 गुना ज्यादा संपत्ति दिखी। उसके बाद अभी जो आभूषण थे, जो संपत्ति थी, उन्हें जब्त कर लिया गया है। यहाँ बताया जा रहा है कि अंदर ही एक थिएटर बनाया गया था, तो सारी सुख सुविधाएं, साथ ही साथ इतना कैश कि गिनना मुश्किल हो जाए। ये देखिए, हम आपको थिएटर की भी तस्वीर दिखा रहे हैं और ये कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ये घर के अंदर ही ऐसा इंतजाम किया गया था। यकीन नहीं कर पा रहे होंगे, जितनी कमाई आपकी है उससे 650 गुना, एक दो या तीन या 100 गुना भी नहीं, 650 गुना ज्यादा संपत्ति यहां से बरामद हुई है। और आलिशान ये घर एक महल के तौर पर बनाया था इस आरटीओ ने। जब छापेमारी हुई तो आभूषण मिले हैं, कैश मिला, पैसे मिले, और जो घर अगर आप देखेंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कमाई का कहां सबसे ज्यादा उपयोग हुआ है। कमाई से 650 गुना ज्यादा यहां पर संपत्ति मिली है, कई आभूषण यहां पर मिले हैं और साथ ही साथ 16 लाख रुपए नगद मिले हैं। रवीश पाल सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवीश, आरटीओ का घर या महल इसको क्या कहें, कैसे जानकारी मिली, कैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ी और क्या क्या उनके घर से बरामद हुआ? देखिए अर्पिता, आपको बता दें कि दरअसल आरटीओ संतोष पाल के खिलाफ लंबे समय से ईओडब्ल्यू को शिकायतें मिल रही थी भ्रष्टाचार की, और उनपे लगातार नजर रखी जा रही थी। जब नजर रखी गई तो उस दौरान जो शिकायतें मिली थी उनको लगभग सही पाया गया, और उसके बाद ही ईओडब्ल्यू की टीम ने कल देर रात ये कार्रवाई की है। आपको बताया कि पिछले हफ्ते ये कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन लगातार इस तरीके के त्योहार आ गए तो उस वक्त ये कार्रवाई को जो है थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया। और कल रात को जब सभी वारंट और सबूत इकट्ठे हो गए थे ईओडब्ल्यू के पास, तो उसके बाद ये छापा मारा गया। कल से लेकर अब तक करीब 12 घंटे के लगभग समय हो चुका है, कार्रवाई अभी भी जारी है। 16 लाख रुपए नगद मिले हैं, लेकिन आप तस्वीरों में देखिए, ये आरटीओ का घर है जिसकी सैलरी हम आपको बता दें, जो ईओडब्ल्यू की जो टीम छापा जिसने मारा है, हमने कुछ सूत्रों से बात की है तो उन्होंने बताया कि मात्र 65,000 रुपए महीने की तनख्वाह है आरटीओ संतोष पाल की। उनकी पत्नी जो उसी दफ्तर में लिपिक है, क्लर्क है, उनकी तनख्वाह है 55,000 रुपए महीना। लेकिन ये मकान जहां पे छापा मारा गया है, इसमें तमाम सुख सुविधाओं के साधन मौजूद है। करोड़ों का ये पूरा मकान है, 2 मंजिला मकान है, इसके अलावा इसमें बेसमेंट है, कुल मिलाकर के 3 फ्लोर हो जाते हैं इसमें। इस मकान में लिफ्ट लगी है। आमतौर पर आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में ये लिफ्ट कल्चर जो है घरों के भीतर बहुत कम माना जाता है, बहुत कम देखा जाता है। बेहद ही पॉश या बेहद रईस जो लोग होते हैं उनके मकानों में ये सिस्टम होता है, लेकिन आरटीओ के घर में न केवल ये लिफ्ट वाला सिस्टम है बल्कि घर में एक बकायदा होम थिएटर है। यही नहीं, घर में एक बार कैबिनेट जो है वो भी पाई गई है, और जो इंटीरियर है वो बेहद ही बेशकीमती लकड़ियों से बना हुआ इंटीरियर है।
बताया जा रहा है कि करीब लाखों रुपए का तो इंटीरियर ही इस पूरे मकान में खर्च कर दिया गया है, लाखों रुपए इस इंटीरियर को बनाने में, और बेहद बेशकीमती और बेहद पॉश इलाके में ये करोड़ों का मकान जो है वो आरटीओ का बनके तैयार है। कार्रवाई अभी भी जारी है, लेकिन आपको बताया पिता सिर्फ यही नहीं, जबलपुर के आसपास, जबलपुर समेत कई जगहों पर न केवल मकान बल्कि एक आलीशान फार्म हाउस जो है उस पर भी ये कार्रवाई चल रही है। एक आलीशान फार्म हाउस भी मिला है ईओडब्ल्यू की टीम को। कैश भले ही 16 लाख मिले हो, लेकिन बड़ी संख्या में संपत्तियों के कागजात, प्लॉट के कागजात, गाड़ियां जो है लग्जरी ब्रांड की, दो लग्जरी गाड़ियां, कार जो है वो भी इनके घर से बरामद हुई हैं। इसके अलावा जिस तरीके से रहन सहन है आरटीओ संतोष पाल का, उसने कहीं ना कहीं ईओडब्ल्यू की भी आंखें चुंदिया दी जब ये कल छापा मारा गया, क्योंकि अनुमान है जो इनकी मासिक तनख्वाह है 65,000 रुपए महीना, उससे करीब 650 गुना ज्यादा की संपत्ति का अनुमान ईओडब्ल्यू ने लगाया है। अभी 650 गुना संपत्ति जब्त नहीं हुई है, सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से ये कार्रवाई चल रही है और संपत्तियां लगातार उजागर हो रही है, माना जा रहा है ईओडब्ल्यू की तरफ से कि कुछ देर बाद या फिर शाम तक एक पूरा आंकड़ा जो है वो सामने आ जाएगा कि आखिरकार कितनी काली कमाई जो है तनख्वाह के ऊपर आरटीओ ने की है अब तक। रवीश, जैसा कि हम ये घर देख रहे हैं और कितनी इनकी प्रॉपर्टी थी, छापेमारी सिर्फ यहीं पर हुई है या अलग अलग जगहों पर इस वक्त, जैसे आपने बताया एक फार्म हाउस, उसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर क्या इनके घर थे, इनके फार्म हाउस थे जहां छापेमारी चल रही हो, और कैश सिर्फ इसी घर से बरामद हुआ या फार्म हाउस के बारे में भी कोई जानकारी मिल रही? देखिए, जो कैश बरामद हुआ है वो इसी मकान से बरामद हुआ है जहां पे टीम ने छापेमारी की है। फार्म हाउस पे टीम आज सुबह पहुंची है। दरअसल ये छापा कल रात को 10:30 से 11 बजे के बीच उस समय मारा गया जब आमतौर पर जो परिवार के लोग हैं वो सोने की तैयारी कर रहे थे। उनको भनक भी नहीं लगी कि जो शिकायतें उनके खिलाफ ईओडब्ल्यू के पास पहुंची है, उन शिकायतों को आधार बनाते हुए ईओडब्ल्यू उनके रात पे उनके घर पर रात को ही पहुंचने वाली है। तमाम लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसी समय ईओडब्ल्यू पहुंचती है। जो नगद अभी तक प्राप्त हुए हैं ईओडब्ल्यू के सूत्रों के मुताबिक वो इसी घर से प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसी घर पे जब ये रेड मारी गई तो जो कागजात मिले हैं संपत्तियों के, जमीनों के, मकानों के, उसी में एक कागजात इस फार्म हाउस का भी था जिसका जिक्र था, इसलिए आज सुबह ईओडब्ल्यू की टीम इस फार्म हाउस पर भी पहुंची है जो बेहद ही आलीशान है और एक कई एकड़ों में फैला हुआ है जबलपुर के पास। ठीक है।